तो भाई कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ यार आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो का थंबनेल देख करके आप लोग हिल ही गए होंगे, क्योंकि उसमें दे रखा है कि मौत आ ही रही है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रग रेसिस्टेंस की। तो दोस्तों ये आखिर होता क्या है ड्रग रेसिस्टेंस, इसी के बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो ताकि मैं जैसे वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को सबसे पहले। तो ज्यादा बकैती ना करते हुए करते हैं शुरू। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है रिक्की और आप देख रहे हो माइंड गेम चैनल। तो शुरू करें। चलो भाई दोस्तों ड्रग रेसिस्टेंस के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। तो हुआ क्या कि दिल्ली के एक नामी गिरामी हॉस्पिटल में एक 60 साल के पेशेंट को एडमिट किया जाता है, जिसको हुआ था कुछ ऐसा इन्फेक्शन जिसकी वजह से उस बंदे को आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। और आईसीयू में एडमिट करने के बाद में डॉक्टरों ने वहां पर उसको लगभग लगातार 4 दिनों तक एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए और काफी तरह के टेस्ट किए, बट उन सारी चीजों से उसे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। मतलब कि धीरे धीरे जो कंडीशन थी वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गई। धीरे धीरे ऐसा होने लग गया कि यानी डॉक्टरों के हाथों से बात निकलने लगी, कोई भी दवा उस पेशेंट के ऊपर असर नहीं कर रही थी। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टरों ने उसका एक्सरे वगैरह करवाया और उसका फिर टिश्यू कल्चर टेस्ट होता है वो करवाया। तो ये सब करवाने के बाद में पता चला कि उस पेशेंट के फेफड़े में और ब्लड में एक ऐसा इन्फेक्शन वगैरह फैल गया है जिसकी वजह से उसको ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। अब डॉक्टरों ने ऐसी कंडीशन में किया क्या कि उसको एक ऐसा ड्रग्स दिया जो कि नॉर्मली तौर पर पेशेंट को नहीं दिया जाता। अगर वो ड्रग्स देने के बाद में वो पेशेंट ठीक नहीं होता तो यानी ये समझ लो वो पेशेंट हाथ से निकल गया था। बट हुआ क्या, लकीली उस ड्रग ने उस पेशेंट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और पेशेंट की हालत जो थी वो रिकवर होने लग गई। तो अब यहाँ पे ये सारी कंडीशन आखिर क्रिएट क्यों हुई, किस लिए हुई? क्योंकि दोस्तों जो मैं आज का ये टॉपिक बता रहा हूँ इसमें इस चीज का बहुत ही बड़ा रोल है। आखिरकार ये हो क्या रहा है कि ड्रग रेसिस्टेंस होता क्या है। एक्चुअल में हमारी बॉडी में काफी सारे ऐसे बैक्टीरियाज वगैरह रहते हैं जो कि हमारे एंटीबायोटिक लेने की वजह से कर क्या रहे हैं, खुद ब खुद एक ऐसा यानी सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर किसी भी एंटीबायोटिक वगैरह टेबलेट्स का या फिर किसी भी दवाई इंजेक्शन का कोई भी असर हो नहीं रहा। जिसकी वजह से होगा क्या कि एंटीबायोटिक्स की मात्राएं तो हमारे यहाँ पे यानी सीमित हैं इस संसार में, और बैक्टीरिया अगर इनसे लड़ने की शक्ति वगैरह डेवलप करने लग जाएंगे तो फिर हमारी बॉडी में होगा क्या, किसी भी एंटीबायोटिक का इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं और हम लोग छोटी से छोटी बीमारियों में बड़ी आसानी के साथ में मरते चले जाएंगे। क्योंकि असल में होता क्या था कि पहले का एक टाइम था, उस टाइम पे ये रहता था कि जैसे मान लो किसी को नॉर्मली सर्दी खांसी जुकाम वगैरह हो जाता था या फिर चक्कू से हल्का सा कटवट जाता था तो ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट मर जाता था। मगर उस टाइम पे पेंसिलिन की खोज की गई और पेंसिलिन इतना बढ़िया वर्क करता था कि नहीं पेशेंट को बिल्कुल एक हल्की सी डोज देने पे भी वो बहुत ही ज़्यादा जानलेवा बीमारियों में से पेशेंट को बचा करके रख देता था। मगर अब हो क्या रहा है कि पेंसिलिन का नाम ही गायब हो चुका है, क्योंकि पेंसिलिन की ओवरडोजेस वगैरह यूज की जा रही है आज की रोजमर्रा जिंदगी में। तो इस वजह से होता क्या रहा कि जैसे जैसे पेंसिलिन की ओवरडोज बढ़ाते गए, पेशेंटों के ऊपर ज्यादा पेंसिलिन का यूज होने लगा, तो उनकी बॉडी ने उस चीज को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया और उनकी बॉडी में जो बैक्टीरिया वगैरह थे उन्होंने उस चीज से लड़ने की पावर को हासिल कर दिया। अब नॉर्मली सी बात है, जब पेंसिलिन नहीं काम कर रहा था तो ऐसी कंडीशन में नई नई एंटीबायोटिक्स वगैरह आने लगी। बट आजकल हो क्या रहा है कि जो ये ड्रग रेसिस्टेंस है इसकी वजह से जो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं बहुत ही ज़्यादा, किसी इंसान के ऊपर अगर एंटीबायोटिक दवाई का लगातार इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी बॉडी में जो भी बीमारी का बैक्टीरिया वगैरह होता है वो नॉर्मली सा अपने आप को उससे बचाने के तरीके डेवलपमेंट कर लेता है। अब ऐसी कंडीशन में WHO ने बता दिया है कि हिंदुस्तान इस मामले में ड्रग रेसिस्टेंस की राजधानी बन चुका है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाला टाइम ज़्यादा दूर नहीं है कि नहीं यहाँ पे पेशेंटों को दवाई वगैरह दी जाएगी बट पेशेंटों पे कोई भी दवाई असर नहीं करेगी। अब ये सारी चीज होने का कारण क्या है, ये सारी चीज होने का सबसे बड़ा कारण दोस्तों हम लोग खुद ब खुद है। क्योंकि आप लोगों में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे या फिर मेरे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने कभी ना कभी ये चीज नोटिस की होगी या फिर काफी लोगों को सुना होगा कहते हुए कि डॉक्टर के पास में आप लोग जाते हो दवाई वगैरह लेने के लिए और फिर उन लोगों से बोलते हो कि डॉक्टर साहब मुझे हल्की फुल्की दवाई असर नहीं करती, मुझे कुछ हैवी खुराक देना तभी मेरी बॉडी पे असर करती है। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, डॉक्टर वहां पे हैवी क्वालिटी की एंटीबायोटिक वगैरह लिख देता है, आप लोग उसे खा लेते हो और खाते एक दो डोज में आपकी बॉडी बिल्कुल ही एकदम से
एक्यूरेट वर्क करने लग जाती है। बट उस चीज का नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है दोस्तों कि आपकी बॉडी जो रहती है उसे एक हाई एंटीबायोटिक की आदत पड़ गई। क्योंकि अगर मान लो आप लोग जरा सी डोज में उसकी, यानी 100 mg की डोज है, 100 mg की डोज में आप लोग ठीक हो रहे, बट आपने डॉक्टर को रिकमेंड किया और उनसे कहा कि मुझे हैवी क्वालिटी की एंटीबायोटिक लिख देना, तो वही डॉक्टर करेगा क्या, आपको 500 mg की एंटीबायोटिक लिख देगा। अब आप लोग 500 mg की जब एंटीबायोटिक वगैरह खाओगे तो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी में जो वायरस वगैरह रहते हैं वो उस टाइम पे तो खत्म हो जाते हैं, मगर फिर कुछ टाइम के बाद में जैसे वो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं इन एंटीबायोटिक वगैरह से लड़ने का तरीका ढूंढ लेते हैं, और फिर ऐसी कंडीशन में नॉर्मली सी बात है हमारी बॉडी पे किसी भी तरीके का कोई भी एंटीबायोटिक वगैरह काम नहीं करता। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो WHO ने ये तक कह दिया है कि आने वाले टाइम में कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होने वाली है और जो भी पेशेंट है उनकी बहुत ही तसल्ली से बैंड बजने वाली है। क्योंकि दोस्तों नॉर्मल सी बात है, अगर मान लो आप लोगों की बॉडी में इन्फेक्शन गया और फिर उसके बाद में आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक दे रहा है और आपकी बॉडी पे कोई भी वर्क नहीं करेगा, तो सीधी सी बात है कि मरीज फिर राम भरोसे ही बैठा रहेगा, आर या पार का खेल होएगा, यानी बचने के चांसेस बहुत ही कम होएंगे, चांसेस यही रहेंगे कि वो बड़ी आसानी के साथ में मर जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि डॉक्टरों की सलाह माना करो और उनसे नहीं ये चीज़ें मत कहा करो कि मुझे हैवी क्वालिटी की एंटीबायोटिक्स दवाई दो। या फिर काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं जो कि यूट्यूब पर हम लोगों की वीडियो देख करके सीधा मेडिकल स्टोर पर चले जाते हैं, वहाँ पर से दवाई वगैरह ले लेते हैं, यानी उल्टा सीधा दवाइयों का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ख़ास करके यानी पेन के मामले में देखा गया है, जैसे कि किसी के सर में दर्द वगैरह उठता है तो वो बड़ी जल्दी दुकान पे चला जाता है और पेन किलर टैबलेट्स वगैरह मेडिकल स्टोर पे नॉर्मली तौर पे दे दी जाती है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, मेडिकल स्टोर वाले बड़ी आसानी से दे देते हैं। और यहाँ तक कि अगर मेडिकल स्टोर वाले उससे जानकारी है तो आप लोगों को नींद की गोलियाँ और भी तरह तरह की टैबलेट्स वगैरह बड़ी आसानी के साथ में मिल जाती है, मगर ये सारी चीज़ें दोस्तों गलत है। हम लोगों को अगर सुधरना है और इन सारी चीज़ों से बचना है तो इसके लिए हम लोगों को खुद ब खुद अपने अंदर ही सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को डॉक्टरों की सलाह माननी चाहिए हर चीज़ पे, यानी एंटीबायोटिक खाना सही नहीं रहता, या फिर हर कंडीशन में आप लोग यानी पेन किलर्स वगैरह जो मनमर्जी से मंगा लेते हो मेडिकल स्टोर से 1-2 रुपए की और उसे खाते रहते हो, तो इन चीज़ों से भी आपकी लाइफ में यानी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आप लोग बिल्कुल ही अपनी बॉडी को ख़त्म करते चले जा रहे हो धीरे धीरे। और ड्रग रेसिस्टेंस इसी तरीके से वर्क करता है, अगर बैक्टीरिया सभी एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए अपना सिस्टम जनरेट कर लेगा तो फिर आप लोग खुद ही सोच सकते हो कि नहीं आप तो फिर गए काम से, आपको बचाने वाला फिर कोई नहीं है। तो दोस्तों यही सब था आज की इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो आप लोगों को काम कर रहा होगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो यार ठोको लाइक, क्योंकि लाइक तो बनता ही, और मेरे चैनल पे भूले भटके आए तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो ताकि मैं जैसे वीडियो डालूं नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को सबसे पहले। तो ज्यादा बकैती ना करते हुए करते हैं खत्म। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।